यार क्या रोना स्टार्ट हो गया फिर से। हर बार आती है, एक एक बार रोके आती है, सबको रुला के जाती है। लो पकड़ो, बाय प्राची, बाय। हेलो, तो निहारिका ना हो गई है गुमसुम बिल्कुल बिल्कुल चुपचाप। अभी तो रो रही थी हमारी मम्मी लोग की याद में, जैसे ये आती है ना उतनी बार होती है। अब तो दोस्त शादी को एक साल हो गया पूरा, अब तो नहीं होना पता है, अब कितनी बार हो गया बताऊँ हैं। अभी इसके हाथ नहीं दिख रहे, चलो मायके की याद तो आती है, पता नहीं कब तक आएगी इसे जाने। लेकिन ये जो रास्ता है ना, रास्ता जो है अभी हम जा रहे हैं यहाँ से, दिन के अभी बजे हैं करीब, दिन के क्या शाम ही हो गई है, 5:30 बज गए हैं, और हम लोग जा रहे हैं सिंगई टू लखनऊ, लखनऊ जा रहे हैं हम लोग, वापस जा रहे हैं। तो मैं निहारिका को एक्चुअली मैं लेने आया था, आदत ने ब्लॉग बनाया नहीं क्योंकि आदत मेरे को हो रहा था बहुत जल्दी, मैंने कहा जल्दी जल्दी पहुँच जाता हूँ। तो अभी क्या है कि ये रास्ता है ना काफ़ी खूबसूरत, ये जो रास्ता है वो इतना खूबसूरत है हद से ज़्यादा, क्योंकि इस रास्ते में ना सबसे बड़ी खासियत यह है कि इस रास्ते में पूरा ग्रीनरी बहुत अच्छी है, इतनी ज़्यादा ग्रीनरी है। आप देखो ना पे चारों ओर पेड़ पेड़ लगे हुए हैं, और अभी तो ना यहाँ पर सड़की धूप है, लेकिन आगे आगे ना पूरे रास्ते पर छाया रहती है, इसमें बाइक लाने में भी दिक्कत नहीं होती है। ये मतलब रास्ता काफ़ी मतलब सुंदर रास्ता है, और बिल्कुल सिंगल रोड है लेकिन है काफ़ी सुंदर। इस रास्ते में बाइक कार चलाने में मज़ा भी काफ़ी आता है। अभी एक्चुअली क्या था कि मैं सोचता था कि गाड़ी धूप में खड़ी थी गर्म करने के, तो उस पर थोड़ा पानी मारा तो शीशे ऐसे हमारे उसमें वो लग गया है, थोड़ा ऐसे साफ कर देता हूँ, थोड़ा मतलब दाग रह गए अंदर शीशे के। अभी यहाँ से है निगासन, निगासन 7 किलोमीटर दूर है, और लखनऊ करीब है 220 किलोमीटर दूर, 5, 4, 9 यानी कि कई 10, 11 बजने वाले हैं आज हमको पहुँचते वक्त लखनऊ। देखो कितने बजे तक पहुँचते हैं, लेकिन रास्ता जाएंगे अभी बीच में एक बैराज पड़ता है ना काफ़ी खूबसूरत, वो बैराज देखो आप, वो बैराज की खासियत ही मतलब इतना खूबसूरत, मैंने मतलब उस रास्ता इस रास्ते की सबसे खूबसूरत चीज़ वही है बैराज, वो बैराज काफ़ी खूबसूरत है। तो बैराज भी देखते हैं साथ साथ में, और देखेंगे और रास्ते में क्या क्या मिलता है। आगे आगे भैंसियाँ हैं, ये जाम कर दिया रास्ता। पहुँच चुके हैं शारदा नगर, शारदा नगर में शारदा बैराज है, शारदा नगर इस जगह का नाम है, शारदा नहर तो है ही है, शारदा नगर है, शारदा शारदा नदी बैराज। तो बैराज ना खूबसूरत है ना, कैसा लग रहा दिखा दो इन लोग को, कैसा दिखाई दे रहा है? ठीक है, देखो ये देखिए ये नज़ारे देखो आप, पानी देखिए वो देखिए, सूर्यास्त होने वाला है
वो सामने, और देखो कितना प्यारा नज़ारा है। सूर्यास्त होता तो वो प्यारा लगता ना, ये अभी जब पूरा सूर्य डूबेगा ना तो और ज़्यादा मज़ा आएगा। लोग उधर नाव में खेल रहे हैं, थोड़ा हम लोग भी उधर जाके देखते हैं थोड़ा नज़ारे। ये सामने वाला जो बैराज है, इधर से ऐसे नहरें बटी हुई है, इधर को उधर को भी नहर जा रही है, उधर साइड में नहर जा रही है, और जो मेन नदी है वो बीच में बह रही है, ये सारा नदी बीच में बह रही है। तो उधर जाते हैं, उधर जाके देखते हैं क्या और एक्टिविटी है इसमें। एक्चुअली क्या था कि अभी ना बहुत ज़्यादा मतलब सनसेट हो रहा था, मैंने सोचा कि एक टाइम लैप्स बनाता हूँ, आपको टाइम लैप्स बना के दिखाऊंगा, लेकिन क्या हुआ कि वो बहुत ज़्यादा टाइम लेगा। सनसेट होना मैंने कहा आधा घंटा लगेगा सूरज को डूबने में, और हम लोग हो जाएंगे लेट। तो थोड़ा सा बनाया हुआ, देख लीजिए कैसा लगा, कमेंट करके बताना। कोशिश की है मतलब थोड़ा सा टाइम लैप्स बनाने की, लेकिन काफ़ी अच्छा आता व्यूज़ ना उसका, तो ना आप खुद देखो कि कितना प्यारा लग रहा है। सारी जो रिफ्लेक्शन नदी में आ रहा है ना, बहुत ज़बरदस्त लग रहा है, बहुत ज़बरदस्त। साथ में कबूतर वबूतर भी बैठे हुए हैं यहाँ पे, उस साइड भी है, इस साइड भी है, मोस्टली पीपल उस साइड रुके हुए हैं, हम लोग साइड रुके हुए हैं, और बहुत सारे लोग आ भी रहे हैं अभी आगे से। तो मतलब अभी यहाँ पर का जो मौसम है ना वो है काफ़ी खुशनुमा, गर्मी बिल्कुल नहीं लग रही ना। जो पीछे ये नहर है ना, ये आती है घाघरा नदी से, बीच में है ये सारा नदी, तो घाघरा नदी और फिर नहर आपस में मिलके ये सारा नदी सीधे चलेगी, एक नहर उधर चलेगी, तो मतलब रायबरेली तक ये नेटवर्क फैला हुआ है पूरी नहर का चारों ओर। क्योंकि जो इस एरिया की है ना, जो मतलब ये आपका लखीमपुर है, पीलीभीत है, तो इसमें जो सबसे बड़ी नदी है वो दोनों घाघरा और शारदा, इन्हीं के इन दोनों नदियों के बीच में है पूरा दुधवा नेशनल पार्क। इसलिए मतलब यहाँ पर मतलब बहुत जानवर वानवर भी रहते हैं, घड़ियाल, मगरमच्छ, बाघ, हाथी और जो हिरन वगैरह होते हैं जंगली सुअर, सब यहाँ पर ज़्यादा रहते हैं। Do you want to know? Well, I've been thinking about you, and I think I have to listen, because the sun is up, it's a beautiful day, my beginning will be as bright as the sun, come won't you come along, and it feels so bright, it's like luck is raining on me. And follow your heart, doesn't matter how far, there is so much love to give, something's telling me this time, baby, baby, now I know, baby, baby, gotta go, there is so much love to give, something's... तो आप वहाँ भी मतलब पिकनिक मनाने आते हैं, साथ में बैराज घूम सकते हैं, दो दो जगह आपके कवर हो जाएगी। अगर जो आपको घूमना है तो कतनिया घाट भी आ सकते हो, कतनिया घाट भी इसी रोड पे है, और कतनिया घाट भी मतलब यहाँ पर से लखीमपुर से करीब 50 किलोमीटर दूर है, ज़्यादा दूर नहीं है। तो कतनिया घाट, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी आप घूम सकते हो, दुधवा नेशनल पार्क घूम सकते हो, आप नेपाल जा सकते हो, वहाँ लखीमपुर में बहुत सारी चीज़ें हैं। साथ में जो पुराना वाला ब्लॉग आपने देखा था वो गुरुद्वारा खोडियाला घाट, आप वहाँ भी जा सकते हो, और जो सिंगई में हमने एक ब्लॉग डाला था राजमहल वाला चिल्लर पार्टी के साथ, तो आप वाला भी देख सकते हो आराम से, क्योंकि वो भी महल अच्छा है। मतलब सब बाहर बाहर देखने काफ़ी है, लेकिन अंदर का तो अभी खुला नहीं है, लेकिन काफ़ी है। लेकिन और देखो व्यू कितना तो प्यारा है, वो उधर सनसेट हो रहा है, इधर खेत पर लोग काम कर रहे हैं, मोस्टली पीपल ने यहाँ पर क्या कर दिया ना, गेहूँ कर चुके हैं और गन्ना यहाँ लग चुका है। यहाँ पर ना गन्ने की खेती बहुत ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पर चीनी मिले भी हमको रस्ते में बहुत सारी मिली, तो रस्ते में हमको चीनी मिले बहुत सारी मिली, तो वही चीनी मिले मैं ये गन्ना, हाँ इसलिए उसकी वजह से गन्ने की खेती ज़्यादा है। बस ये कि ये रास्ता थोड़ा सिंगल है, लखीमपुर से लेके आपके पलियार जाओ चाहे आप निगासन जाओ, लेकिन है खूबसूरत, मतलब रास्ते में तो ऐसे कोई कमी नहीं है। रोड हाँ, रोड काफ़ी अच्छी है, बगैर गड्ढे बड्ढे वाली रोड है, इससे अच्छा और क्या चाहिए। जैसे आते थे ना पहले से, मतलब जब भी पहले लखीमपुर या इधर को दुधवा की ओर कभी भी जाता था, तो उस टाइम पर क्या ये वाले दो ब्रिज थे जो सीतापुर पर, वो दोनों ब्रिज बने नहीं थे, तो इसमें ना बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम होता है। अभी क्या है ना, ये दोनों ब्रिज बन गए, अभी हम पहला वाला ब्रिज क्रॉस कर रहे हैं, फिर मैं आपको तो अभी दूसरा वाला ब्रिज दिखाता हूँ उसके बाद, फिर दूसरा वाला भी साथ साथ में चालू आता है, लेकिन ये दो रेलवे ट्रैक है ना, तो उसकी वजह से क्या है कि पहले बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम होता था, अभी क्या है कि इससे बहुत ज़्यादा टाइम बचता है हम लोग का। तो मतलब गवर्नमेंट ने एक चीज़ ये की, एक हर गाँव पड़ता है ना पीछे लखीमपुर और सीतापुर, वहाँ पर एक फ्लाई ओवर जो बन रहा है वो भी 3-4 साल से बनता हुआ देख रहा हूँ,
लेकिन अभी तक वो भी मतलब कंप्लीट नहीं हुआ है, वो भी रेलवे ट्रैक वाला था, वो भी कंप्लीट हो जाएगा तो फिर जो ये डिस्टेंस तय करनी है हमने लखीमपुर तक, तो वो बहुत कम पड़ेगी। मतलब ये इन दो तीन फ्लाईओवर के बनने की वजह से ना थोड़ा कम टाइम लगेगा हम लोगों को। सही रोड पे और पीछे से बड़ा पूरा जाम लगा हुआ है, सीतापुर रोड पे जैसे ही पहुँचे मतलब वहाँ से आ जाते हैं, तो सब जगह जाम ही मिला है, सिर्फ जहाँ मतलब चिन्हट और कमता मिलता है जाम, उधर जाम नहीं मिला है। बाकी पीछे पूरा मढ़िया वढ़िया साइड में जहाँ फ्लाईओवर नहीं है उधर जाम जरूर मिला है। तो हम लोग निकले थे 5 बजे ना, 5 बजे, हाँ 5 बजे निकले थे और अभी बजे 9:30, तो 9:30 यानी 4:30 पे हम लोग पहुँच गए। दोनों खूब गप्पे मारते हुए आए निहारिका और मैं, बीच में ब्लॉग बनाने ही भूल गए पता है कि हम ब्लॉग ही बना रहे थे सीतापुर के बाद, तो ये और अपना आपस में अपना गप्पे मारने लगे। जैसे मैंने कहा यार निहारिका देखो लखनऊ आ गया, हमने बीचा लगे बहुत बनाया नहीं फिर, अरे हाँ यार हम लोग अपने मतलब बातों में इतने मशहूर हो गए, कभी ऐसा भी करना पड़ता है। तो पहुँच गए फिलहाल लखनऊ, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। आधी ब्लॉग क्या थकान हो गई है, घर पे आके तो हो नहीं पाएगा काम पूरा, हाँ तो गाड़ी में ही फिनिश कर देते हैं। लेन में ना पूरा जाम लगा हुआ है, पूरा मतलब मेरे बहुत लंबा ही लगा हुआ है, तो मैं हम लोग तो क्या ही गिव अप कर रहे थे ना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में आधी ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए जय देवभूमि, जय उत्तराखंड। नहीं